हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। तो कैसे हो आप सब लोग, मैं एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का एक और शानदार गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम खेलने के लिए जा रहे हैं फिर से फोर्जा होराइजन 5, और हम लगा चुके हैं एक डर्ट रेस। जिस डर्ट रेस को करने के लिए हम लेके आए हैं आज रेंज रोवर वेलार, जो कि एक लग्जरी व्हीकल है। बट हमने इसको कुछ इस तरीके से ट्यून किया है कि हम इससे डर्ट रेस वगैरह भी खेल सकते हैं, और लास्ट में मैं दिखाऊंगा इसके मॉडिफिकेशन क्या क्या मैंने इसमें कर रखा है। फिलहाल हम करते हैं अपनी रेस पे फोकस। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा राइट, पर ये 7 किलोमीटर की रेस रहने वाली है और बाकी प्लेयर पीछे रह गए बैठ कर, और अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली है गाड़ी बैठ कर। ये पीछे स्पॉइलर वगैरह लगाया मैंने इसके। अरे आराम से आराम से, हाइट टूट गई मेरी गाड़ी इधर से, बट कोई नहीं, डर्ट रेस है तो ये सब तो होना ही है। ग्लास वगैरह तो इसके चेंज करने पड़ेंगे फिर से। तो हम चलते हैं चेक पॉइंट की तरफ जल्दी से, सबको पीछे छोड़ते हुए। रास्ता थोड़ा ठीक है इसके साथ, क्योंकि एक ही ऑफ रोडर व्हीकल भी है, 4x4 है, तो इसको कोई दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पे 40% रेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अरे नहीं, बाहर मत जा। यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो गाड़ी बिल्कुल ट्रैक से बाहर चली जाएगी, और उसको वापस लाने के लिए और टाइम लग जाएगा, इतने में कोई निकल जाएगा आगे। भाई साहब, अरे ओ भाई, एक बंदा तो आगे निकला है और एक बंदा पीछे ही आ रहा है मेरे। जस्ट 57% हो गई है इसको। भाई थोड़ा फोकस करके चलाता हूँ, थोड़ा फोकस करके चलाता हूँ, इसको पीछे छोड़ते हैं पहले, उसके बाद होगा जो भी होगा। ये गाड़ी कौन सी है? मैं गाड़ी जगुआर की है कोई, शायद मुझे लोगो दिख नहीं रहा इसका। हाँ मैं भी, अरे नहीं, गाड़ी देखने के चक्कर में गाड़ी ट्रैक से बाहर चले गए और एक और गाड़ी आगे निकल गई। वाह, एक तो गया पीछे, ये जगुआर की गाड़ी थी, तो दूसरे को भी पीछे निकालते हैं जल्दी से। भाई साहब आराम से, ये भयंकर बिल्कुल सेफ खेलते। अरे चल भयंकर, क्या ही कर रहा है ये बंदा, जान दे जान दे। बाइकर ड्रिफ्ट लगी है, 90% हो चुकी है रेस, तो मैं इसको आराम आराम से लेके चलता हूँ तरफ, क्योंकि अब कोई गलती नहीं करनी। अगर अब कोई गलती की तो मैं आगे नहीं निकल पाऊंगा, और ये बंदे मेरे बिल्कुल फिनिश पॉइंट सामने की तरफ रहा और बंदे मेरे बिल्कुल पीछे ही हैं। और हियर वी गो, विनर विनर चिकन डिनर, हम जीत चुके हैं अपने रेस। ओके, तो हमारी रेस हो चुकी है फाइनली कंप्लीट, और ये रही अपनी गाड़ी। और इस रेस को कंप्लीट करने से हमें $8,500 का क्रेडिट मिला है, और ये आगे से कुछ ऐसी दिखती है अपनी गाड़ी। ऊपर हमने लाइट्स वगैरह लगाई हैं इसके, और सामने ये देख सकते हैं बम्पर, और इसको रेंच बोलते हैं ना, जो गाड़ी वगैरह खींचने के काम में आती है। और पीछे एक स्पॉइलर लगाया है जो कि रैली रेस में बहुत काम देता है स्पॉइलर। और व्हील्स हमने इसके अलॉयज रखे हैं ब्लैक, और इसमें एक ऑरेंज कलर का क्लेपर बोल सकते हैं उसको, कैलीपर, कैलीपर सॉरी, कैलीपर बोलते हैं। और अंदर से कुछ इंटीरियर इसका ऐसा है, और ये रोल केज वगैरह लग रखा है। ओके, तो अब हम देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो अभी हम फिलहाल एयरपोर्ट के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो क्यों ना इस गाड़ी से एक जंप टेस्ट हो जाए। देखते हैं कितने मीटर का ये जंप लेगी गाड़ी, और कितने मीटर की डेस्टिनेशन कंप्लीट करेगी, और नदी पार कर सकती है या नहीं। वैसे बहुत पावरफुल गाड़ी है, अगर हम फर्स्ट पर्सन में चलाएं इसको तो कुछ ऐसा नजारा आता है, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको रोड बोर्ड की जरूरत नहीं है। अंदर बैठ के आवाज क्या मस्त लगती है इसकी,
से राइड जाना है रद्दा, आराम से रद्दा, तोड़ फोड़ करते हुए जा रहे। पुलिस वाले उसे पकड़ ले जाते हैं। पीछे का भी दिख रहा है ग्लास में। अरे नहीं, वैसे अंदर तो कुछ आवाज बेहतरीन ही आती है। यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं, सॉरी। यहाँ से थोड़ा राइट, ये नेविगेशन भी रास्ता बताता रहता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो पहुंच रहे हैं, 2.8 किलोमीटर बाकी है रास्ता। चलते हैं जल्दी से। और आसपास का नेचर तो एकदम बिल्कुल अपने इंडिया जैसा लगता है इसके ये। मगर हाँ, थोड़ी रोड वोड की दिक्कत है अपने इधर पहाड़ों साइड में, बट वो भी ठीक हो जाएगा। फिलहाल हम गेम पे फोकस करते हैं, चलते हैं सीधे एयरपोर्ट। अरे भाई साहब, पेड़ वेड़ उड़ा डाले मैंने। शायद पहुंचने वाले हैं हम अपना एयर स्ट्रिप पे। ओके, यहाँ से लेना है लेफ्ट। ओके, तो पहुंच गए हैं हम अपनी एयर स्ट्रिप के पास। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, वो तो है। पॉज मेन्यू में कुछ तो करना है, गया शायद, गाड़ी वाड़ी चेंज की होगी इसने। और हम इसका जंप लेंगे यहाँ से, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ से अब हम शुरू करेंगे अपनी रेंज रोवर वेलार के साथ जंप टेस्ट। देखते हैं कितने मीटर का ये जंप मारेगी। ओके, तो 100 क्रॉस कर चुकी है और ये 200 भी क्रॉस करने वाली है। शायद ये 300 जाएगी या नहीं, देखते हैं। इसका स्पीड टेस्ट भी हो जाएगा इसी में। और ये 250 चली गई है, इसकी टॉप स्पीड 280 के समथिंग जाएगी बहुत लंबा खींचने के बाद। हाँ, 280 भी चली गई, देखते हैं कितने पे जंप मारेगी। 285 पे इसने जंप किया है, और बहुत ही बेहतरीन जंप किया है इसने। बट ये नदी तक पहुंच भी नहीं पाई, और इसने 415 मीटर का सिर्फ एक जंप किया है, जो कि एक भारी व्हीकल के हिसाब से, यानी कि एक एसयूवी के हिसाब से बहुत ही अच्छा जंप है। तो चलते हैं वापस से एयर स्ट्रिप पे अपने। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, चप्पा खैर।